नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त और होस्ट उमेश शर्मा एक बार फिर हाजिर आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी खुशनुमा इस खुशनुमा मॉर्निंग के साथ एक खुशनुमा खबर लेकर के हाजिर हूँ। दोस्तों, आप लोगों की काफ़ी दिनों से एक डिमांड थी, क्यों मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था, कि सर हमें पटवारी सिलेबस और पटवारी भर्ती से रिलेटेड बहुत से कन्फ्यूजन्स हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें क्लियर कर दीजिए। तो दोस्तों, उसी क्लियरिफिकेशन को लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। पहले सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। जो भी नए लोग जुड़े हैं, पहले तो उनसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप ऐसी अपडेट डेली पाना चाहते हैं, जैसे कुछ अपडेट्स होगी मैं आपको अपडेट करता रहूँ, तो प्लीज़ आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन उस पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं मैं, कि जो पटवारी भर्ती सिलेबस से रिलेटेड आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन मांगी थी, उससे रिलेटेड मैं आपको पूरी न्यूज लेकर के आया हूँ। लेकिन दोस्तों, अभी तक इसकी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, इसकी विज्ञप्ति जारी होती है आपको अलग से अपडेट किया जाएगा। लेकिन आप लोगों की प्रॉब्लम थी कि सर हम लोग तैयारी तो करें, कम से कम तैयारी किस बेस पे करें, तो मैंने आपके लिए एक सिलेबस तैयार किया है। इसका पैटर्न क्या होगा वो मैं आपको पीडीएफ के साथ यहाँ प्रोवाइड करवाऊंगा, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो पीडीएफ और आपको जो सिलेबस मैं बताने जा रहा हूँ, ये पूरे विज्ञप्तियों और समाचार पत्र पत्रिकाओं के आधार पर तैयार किया गया है। तो आप इसे अंतिम सिलेबस या पाठ्यक्रम ना समझे, अंतिम पाठ्यक्रम जो होगा वो बोर्ड द्वारा जो डिसाइड किया गया है वो ही मान्य होगा। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। थोड़ा सा वीडियो देख करके आप पहले डिसाइड ना करें, कमेंट करने से पहले पूरा एक बार देख लें कि आपको कोई चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है, ठीक है। दोस्तों, तो बात करते हैं अपन, चलते हैं कि इसमें होता क्या है। पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये एग्जाम होने वाली है किस बेस पे होगी, किस पैटर्न पे होगी, किस तरीके से बनेगी, ठीक है। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं, डिस्कस करते हैं पूरी डिटेल के साथ। तो देखिए दोस्तों, चलिए मैं बात कर रहा हूँ पटवारी सिलेबस की, जो लेकर आप लोगों का काफी बड़ा एक कन्फ्यूजन बहुत बड़ा बना हुआ था कि सर इसमें कौन से टॉपिक आने वाले हैं, क्या होने वाला है, किस तरीके से एग्जाम बना ली जाएगी। तो उसके बारे में अपन पूरी बात करते हैं दोस्तों, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोस्तों, ये जो एग्जाम होगी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि पहले एग्जाम होती थी वो 12th बेस पे होती थी, ठीक है, 12th बेस पे होती थी। लेकिन अभी इसकी जो बोर्ड ने पहले ये और बता दूं कि इसकी एग्जाम कौन लेता है, जो राजस्व मंडल होता है वो इसकी एग्जाम है वो कंडक्ट करता है। ये भी सुनने में आया है कि इसके जो अधीन सेवा चयन बोर्ड है वो इसके तहत वो एग्जाम कंडक्ट कर सकता है। तो दोस्तों, पहले इसकी 12th जो पास थी वो रखी गई थी, लेकिन अभी तक यही है क्योंकि नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी वो मांगी जाएगी ग्रेजुएशन, ठीक है। तो पहली बात मैं करता हूँ क्वालिफिकेशन की, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मानी जाएगी, क्वालिफिकेशन होगी इसमें ग्रेजुएशन मतलब स्नातक होना चाहिए आपको। स्नातक में आपका काफी क्वेश्चंस होंगे कि सर मैं बीए हूं। देखिए, स्नातक क्या होता है, आपका बीए, बीएससी, ठीक है, बीकॉम, ठीक है, आपने कोई बीबीए, बीसीए, ऐसी कोई भी बैचलर डिग्री की है तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कई लोगों का होता है सर मैं तो एमकॉम हूँ, तो भाई आप अगर एमकॉम हो, एमए है, तो आप ऑलरेडी बी और बीकॉम तो ऑलरेडी है, तो आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो पहला पॉइंट आता था आपका क्वालिफिकेशन का, ग्रेजुएशन का, ठीक है। दोस्तों, दूसरी बात आती है आपकी एज की, कि किस एज के लोग फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक की जो अपडेट है उसमें ये बताया जा रहा है कि देखिए इसकी एज अलग अलग बताई जा रही है, कंफर्म नहीं कह सकते कि अगर ये ग्रेजुएशन बेस पे होती है तो पहले इसकी जो एज फैक्टर था ना, एज फैक्टर था इसका 18 to 35, क्लियर है, 18 to 35 था। लेकिन अगर आप अपन चलते ही ग्रेजुएशन लेवल पे होती है तो आपको पता है कि नॉर्मली ये गवर्नमेंट मान के चलती है, तो आपका ये जो फैक्टर होना चाहिए वो 21 to 35 होना चाहिए। अभी मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, इन दोनों में से नोटिफिकेशन में क्लियर होगा कि एज फैक्टर क्या रखा जाएगा। तो जहां तक अगर ग्रेजुएशन बेस पर होनी चाहिए तो 21 to 35 होनी चाहिए, नहीं हो सकता कि 18 to 35 भी लेकर के चले। तो आप इनको जैसे वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको शायद क्लियर दिख रहा होगा, एक बार देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रही है ये चीज, ठीक है। अब देखिए आगे चलता हूं, यहाँ परीक्षा पैटर्न हो गया और इसकी क्वालिफिकेशंस हो गई है। इसके बाद अपन जो मेन पॉइंट आते हैं कि सर इसके सिलेबस में क्या क्या आएंगे, एग्जाम्स कैसे होंगी। तो देखिए दोस्तों, इसका जो एग्जाम पैटर्न होगा, परीक्षा पैटर्न जो होगा, देखिए इसका परीक्षा पैटर्न दो पारियों में होगा, मतलब दो पारियों में कैसे, तो दो प्रकार से, एक तो होगा आपका प्री, दो पारियों का मतलब ये, मेरा मतलब यहां पर है, एक तो प्री और एक होगा आपका मेंस,
प्री और मेंस दो लेकर के चलेंगे अपन साथ में। प्री यहाँ पे आपका पहले ये प्रीलिम्स एग्जाम होगी, उसके बाद में आपकी मेंस एग्जाम होगी। प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम में डिफरेंस क्या है? प्रीलिम्स एग्जाम पहले दोस्तों इसकी एक ही एग्जाम होती थी, लेकिन अभी स्टूडेंट्स का रुझान इतना बढ़ चुका है, कॉम्पिटिशन इतना बढ़ चुका है, तो गवर्नमेंट को ये करना पड़ा, क्योंकि जितनी क्रीम चीजें होती है वो फर्स्ट में आपका प्री में निकाल लिया जाता है। उसके बाद में एक बात बता दूं कि प्री एग्जाम में जितने स्टूडेंट बैठेंगे उनका ×5 ×15 मतलब अंदाजन आपको इससे 10 से 15 के बीच में रहता है, लेकिन आप 10 से 15 गुना मतलब, लेकिन आप ये मान के चलिए कि प्री में जितने स्टूडेंट बैठेंगे उनके 15 गुना लोगों को पास किया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्री एग्जाम में जितने स्टूडेंट्स आप बैठेंगे एग्जाम देने उनका 15 गुना लोगों को मेंस एग्जाम के लिए आप लोगों को पास किया जाएगा। मतलब इसका अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने 2 लाख लोगों ने एग्जाम दिए, या 2 लाख लोगों ने फॉर्म कितने भी भरे हो लेकिन एग्जाम कितने लोगों ने दी थी वहाँ पे वो भी एक रेशियो होता है। 2 लाख लोगों ने एग्जाम दिए तो इसका 15 गुना कितना हो गया आपका, ठीक है? तो यह 2 लाख ने सॉरी 2 लाख ने एग्जाम दिए, आपकी पोस्ट कितनी थी, पोस्ट को भी एक बेस माना जाएगा, उन पोस्ट के आधार पे भी चला जाएगा कि 10 से 15% कितना माना जाए, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपकी पोस्ट थी, मान लीजिए मैं मानता हूँ कि 2,739 पोस्टों के हिसाब से चलता हूँ, इसकी पोस्ट जो अभी मानी जा रही है वो मानी जा रही है 2,739 समथिंग, तो मैं यहाँ पे राउंड फिगर में 3,000 मान करके चलता हूँ। 3,000 पोस्ट हैं, 3,000 का ×15 गुना लेकर के चलता हूं तो 45,000 लोगों को 45,000 लोगों को पास किया जाएगा, जो कि मेंस में, इसमें मेंस में आपको देखा जाएगा कि आप मेंस में 15 गुना लोग बिठाए जाएंगे, उसके बाद आपका जो पैटर्न रहता है वो अलग रहता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसकी एग्जाम जो होगी वो में प्री और मेंस दो भागों में होगी। प्री में जितने स्टूडेंट बैठेंगे उनको एग्जाम देने के बाद जितनी वैकेंसीज होगी वैकेंसीज का 15 गुना हो सकता है, वैकेंसी ज्यादा कम हो तो 10 से 15 के बीच में ये रेशियो रह सकता है, तो 15 गुना लोगों को पास किया जाएगा जो कि मेंस के लिए उन्हें एग्जाम देने के लिए वो क्वालिफाई होंगे, ठीक है? ये चीज होती है। उसके बाद में आपका सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि सिलेबस। देखिए फिर से बोल रहा हूँ, सिलेबस अभी बोर्ड ने जारी नहीं किया है, लेकिन पूर्व विज्ञप्तियों के आधार पर मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ जिससे आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो आप चलते हैं, यहाँ पे सिलेबस की बात करता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, ठीक है दोस्तों? लेकिन आपसे एक गुजारिश है, आप वीडियो देख रहे हैं साथ के साथ, अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो आप प्लीज लाइक करते जरूर जाइएगा, और दूसरी बात आपको अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट भी कीजिएगा, और दोस्तों जिन लोगों के पास ये न्यूज नहीं पहुंची प्लीज उन्हें भी आप ये जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों? अब देखिए यहाँ पे बात करता हूँ मैं परीक्षा पैटर्न की। यहाँ पे परीक्षा पैटर्न में अगर अपन चलते हैं, परीक्षा पैटर्न में किस प्रकार का सिलेबस पूछा जाएगा, मैं बात करता हूँ सिलेबस की। सिलेबस में अपन किस तरीके से चलते हैं उस चीज को लेकर के देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है सिलेबस। देखिए दोस्तों, सिलेबस की अगर अपन बात करते हैं तो सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, सिलेबस में अपन अलग अलग लेकर के चलते हैं, मतलब ये जो आपका पाठ्यक्रम होगा, पाठ्यक्रम में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। पाठ्यक्रम में एक होगा आपका प्री और एक होगा आपका मेंस। दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं, आप पहले तो इस वीडियो को पूरा समझ लीजिएगा कि मैं आपको कैसे आपका सिलेबस पूछा जाएगा, एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट कौन सा पूछा जाएगा। मैंने इसका पीडीएफ बनाया है, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया था मेरे प्यारे दोस्तों। उस पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी होगी, बार बार आपको वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा। आप जो आपका देखिए, मैंने ये पीडीएफ बनाया है, आराम से आपको ये पीडीएफ दिया हुआ है, इसमें पूरा यहाँ पे सारा दे रखा है, एकदम पैटर्न पूरा का पूरा क्लियर है। यहाँ पे आपको 5 पेजेस दिए गए हैं, इनमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप इनको अच्छे से रीड कर लीजिए आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि ऐसे अगर मुझे वीडियो बनाना होता तो मैं कब का बना करके आपको प्रोवाइड करा देता, लेकिन पूरे प्रूफ के साथ और जितना मेरे को एनालिसिस करना था मैंने पूरा एनालिसिस करके आप लोगों के सामने रखा है, तो आप ये लिंक में से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो मेन एग्जाम होगी, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे माध्यमिक, टोटल होगी 300 नंबर की, ठीक है? टोटल जो इसके मार्क्स होंगे 300 नंबर की, और इसमें भी जो टोटल मार्क्स होंगे ये 300 नंबर की होगी, ठीक है? 300 नंबर की होगी। अब इसमें क्वेश्चंस का है कि सर कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें 150, और हो सकता है कि इसमें क्वेश्चन का रेशियो नंबर कम करके अगर 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो एक क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 150 × 300, यहाँ पे भी आपका यही रेशियो रहेगा, 150 × 2 = 300।
अब देखिए, अगर ये चांसेस बनते हैं कि प्री और मेंस में ये भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको पीडीएफ में भी दिया है कि इसमें क्वेश्चंस, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे 180 भी पूछे जा सकते हैं। अगर 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो बोर्ड डिसाइड करेगा कि कौन से क्वेश्चन को कितने नंबर का दे रहा है और किस हिसाब से कन्वर्ट कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, 150 क्वेश्चन भी हो सकते हैं और 180। अपन बात करते हैं एक बार 150 क्राइटेरिया में कि किस प्रकार से चलेंगे। इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। प्री में आपका इतने क्वेश्चन 150 क्वेश्चन पूछेंगे, एक क्वेश्चन दो नंबर का होगा, वही आपका मेंस में होगा, 150 क्वेश्चन होंगे। अब देखिएगा, पहले मैं प्री और मेंस दोनों को जैसे यहाँ पे साथ लेकर के चलता हूं, ये आपकी प्री एग्जाम और ये आपकी मेंस है, ठीक है। इनमें सिलेबस क्या क्या होगा, सिलेबस की बात करता हूं। पहले बात करता हूं मैं सामान्य ज्ञान की, सामान्य ज्ञान है, ठीक है। अब यहाँ सामान्य ज्ञान जो होगा ये कितने नंबर का होगा, सामान्य ज्ञान होगा ये 100 नंबर का। इसमें क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चंस, जो कि एक क्वेश्चन दो नंबर का होगा। तो इसके कितने मार्क्स हो गए मेरे प्यारे दोस्तों, इसके मार्क्स हो गए 100, जो कि सबसे बड़ा पार्ट कवर करेगा आपका, सामान्य विज्ञान करेगा, सामान्य ज्ञान करेगा। इसमें सामान्य ज्ञान आपको दिखने में लग रहा है कि सामान्य ज्ञान है, सिर्फ जीके पढ़ना है। इस जीके में बहुत से टॉपिक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, लिख रहा हूं यहाँ पे और आप वहां पे भी देख सकते हैं, ठीक है। जो टॉपिक है इसमें सामान्य ज्ञान, ठीक है, उसके बाद में सामान्य ज्ञान में राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, परंपराएं, ठीक है, इतिहास परंपराएं एवं विरासत, ठीक है, विरासत है। फिर उसके बाद में भारत का संविधान, शायद सभी को दिख रहा होगा, भारत का संविधान है। फिर राजस्थान की राजनीति, राजस्थान की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन एंड तक बने रहिएगा। एवं प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है। इसके बाद आपको दे रखा है राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल एवं दैनिक विज्ञान, मतलब जनरल साइंस, दैनिक विज्ञान। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, देखिए, और आपको पीडीएफ में पूरा का पूरा मिल जाएगा। थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से देख पाएंगे, कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है, कमेंट करते जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, ये हो चुका है आपका। इसके बाद में देखिएगा, ये होने के बाद में आपका आता है मैथ। देखिए गणित में मैं बात करता हूं, मैथ में जो इसके टॉपिक बनेंगे, इसमें आपका ध्यान रखिएगा, ये जो मैथ प्लस रीजनिंग, दोस्तों रीजनिंग में मतलब ये टोटल जो होगा वो 100 नंबर का होगा। 100 नंबर में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस होंगे आपके 50, ठीक है, 50 क्वेश्चंस होंगे, जो कि एक क्वेश्चन दो नंबर का होगा, बराबर 100 बनेगा। इन 50 में से ध्यान रखिएगा, 50 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से अगर 30 क्वेश्चंस, मतलब 25-30 बनेंगे आपके मैथ के, मैथ का जो रेशियो होगा वो होगा आपका 25-30 का हो सकता है, ठीक है। दूसरा आपका बनता है रीजनिंग, जो रीजनिंग का आपका रेशियो बनता है, रीजनिंग का रेशियो भी बनेगा आपका, अगर ये यहाँ होता है तो हो सकता है कि 20 से 25 नंबर का, अगर ये बनता है कि अगर ये कम होता है तो 25 से 30, तो ये 20 से 25 नंबर का कवर करके चलेगा। दोस्तों एक अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जिनको मैथ में प्रॉब्लम हो, मैथ में प्रॉब्लम हो, मैं ये नहीं कहता कि रीजनिंग का फिक्स इतना आएगा ही, मैथ का इतना आएगा ही, वो बोर्ड डिसाइड करेगा, पेपर के लेवल पे डिसाइड होगा कि आपको कौन सा रेशियो कितना दिया जाता है। बोर्ड ने ऐसा कुछ भी क्लियरिफाई नहीं किया है, तो आप रीजनिंग को भी अपनी पावर बना के चलिए। मैथ अगर आपको जितना टॉपिक्स आते हैं वो मैंने पीडीएफ में डाल रखे हैं, आप उनको आराम से
देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, रीजनिंग के अगर आप रीजनिंग भी करना चाहते हैं तो पहली बात तो मैंने बता रखा है जैसे पीडीएफ में कि रीजनिंग की आपकी डेली 9 PM रात को 9 बजे आपकी लाइव क्लास चलती है, आप उसे अटेंड कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको इसके नोट्स जो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड ही बुक्स में तो इतना मैटर दिया हो रहा था कि आपको समझ में नहीं आता कौन सा पढ़ना और कौन सा एग्जाम में आएगा, इसके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग इसका जो सिलेबस है वो मैंने इसकी जो पीडीएफ है, सिलेबस की पीडीएफ है, वो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो मैंने इसका सारे नोट्स हैं वो अपलोड कर रखे हैं, आप उन्हें परचेज कर सकते हैं ओनली 99 rupees के चार्जेज में। आप चाहें जिससे आप क्लास लेंगे तो भी आपको आसानी होगी उन्हें पढ़ने में, 99 rupees ज्यादा नहीं होते दोस्तों। अगर आप चाहें, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं, तो आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें जो मैटर रहेगा ना रीजनिंग में, सबसे बड़ा मैटर रहेगा डिसीजन मेकिंग का, निर्णय लेने की क्षमता, जो आजकल हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। इसमें जो मैटर रहेगा वो सबसे बड़ा मैटर रहेगा निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता। उसमें आपके जो टॉपिक्स होंगे वो होंगे यहां पे आपका कथन एवं निष्कर्ष, ठीक है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, अगर इंग्लिश मीडियम वाले हो बता दीजिएगा, उनको भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, कथन एवं पूर्वधारणा, आंकड़ों की पर्याप्तता, फिर है आपका परिच्छेद एवं निष्कर्ष। दोस्तों ऐसे करके 7 से 8 टॉपिक है जो आपका, अगर ये आते हैं तो आपका 7 से 10 नंबर कवर करके चलेंगे, सिर्फ ये एक टॉपिक जिसमें 7 से 8 सब टॉपिक्स हैं। तो इनके वीडियोज आपको क्लास में तो होंगे आपकी लाइव में, लेकिन आपको पर्टिकुलर पटवारी और वुमेन सुपरवाइजर के हिसाब से, या जो भी आगामी एग्जाम आने वाले उनका, मैं जिनको जिन्होंने नोट्स परचेज किए हुए हैं उनको अलग से आपको एक लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें इनके वीडियोज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो आप लोगों पर डिपेंड करता है आप इसको कैसे मैनेज करते हैं, आप चाहें तो वहां पे उस लाइव साइट पे जाकर के 99 rupees किसी भी तरीके से पे करके आप उन्हें परचेज कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आगे चलते हैं अपन, ये होने के बाद में आपका जो आता है, और मैथ के टॉपिक मैंने यहाँ पे इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जो मैंने पीडीएफ डाला है उसमें देखिएगा। फिर आता है देखिए इसके जो बेसिक कंप्यूटर में ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बेसिक कंप्यूटर में देखिए 100 नंबर का तो आपका जीके हो चुका है, जीके, और 50 नंबर की मतलब 100 नंबर की आपकी मैथ और रीजनिंग हो चुकी है। उसके बाद में आता है आपका कंप्यूटर, तो मतलब आपके 200 तो हो चुका है, यहाँ पे 100 ऐसे करके आप चलते हैं। यहाँ पे आपका कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके 25, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो ऐसे बनके कंप्यूटर के नंबर बनते हैं आपके 50, तो 25। दोस्तों इसमें पास होने का सबसे बेस्ट तरीका आपका कंप्यूटर और ऐसे सब्जेक्ट कंप्यूटर, रीजनिंग और हिंदी आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर में 25 क्वेश्चन है, तो आप कंप्यूटर को तो रट डालिए जो भी होगे, और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाता रहूंगा जिन जिन सब्जेक्ट के, कंप्यूटर होगी, हिंदी होगी, रीजनिंग के मैं क्लास करवा ही रहा हूँ, जितना भी होगा आप लोगों की डिमांड पे सब कुछ चलता रहेगा, बस बने रहिएगा साथ में। कंप्यूटर होगा आपका 25 नंबर का, वीडियो ज्यादा ना हो जाए इसलिए इसके जो टॉपिक्स हैं वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ दे रखा है उसमें डाल रखे हैं, ये 25 नंबर का होगा। इसके बाद में लास्ट में बनता है आपका सामान्य हिंदी। देखिए सामान्य हिंदी है, ये सामान्य हिंदी आपके वो ही इसमें 50 नंबर की बनेगी, इसमें 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ऐसे करके हिंदी के भी बनते हैं आपके 50 नंबर, ऐसे करके आपके टोटल होते हैं 300 marks, टोटल मार्क्स हो गए आपके 300। दोस्तों आप बोल रहे सर आपने प्री का बताया मेंस का, दोस्तों अभी तक जो अपडेट है प्री और मेंस का सिलेबस एक जैसा है, हो सकता है कि उनका थोड़ा सा कोई टॉपिक जुड़ जाए तो वो नया जो सिलेबस आएगा उसमें आपको अपडेट कर दिया जाएगा। दूसरी बात ये होगी कि इसमें मेंस का थोड़ा लेवल हाई होगा और प्री का जो लेवल होगा वो थोड़ा कम होगा, और सिलेबस यही रहेगा प्री और मेंस का। तो दोस्तों इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अगर फिर भी आपको बुक वगैरह से रिलेटेड, जैसे रीजनिंग की मैं बता चुका हूँ, और कोई बुक्स वगैरह से रिलेटेड आपको हेल्प किए आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। दूसरी बात, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई अगर यूट्यूब पे नहीं कर पाता हूं, मैंने डिस्क्रिप्शन में FB और इंस्टाग्राम दोनों के लिंक दे रखे हैं, आप उन पे जाकर के मुझे मैसेज छोड़िएगा, मैं आपके पूरी तरह से हेल्प करूंगा। यूट्यूब पे रिप्लाई नहीं कर पाऊं तो आपको बुरा लगता है, उसके लिए माफी चाहता हूं। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, मैंने अपना जहां तक आपको जितना पॉइंट जो सर्च करके जितना दे सकता था उतनी मैंने पूरी कोशिश की है। दोस्तों मैं इतनी गुजारिश करूंगा कि आप साथ बने रहिएगा, और इस चैनल को आपका प्यार की बहुत जरूरत होगी,
हमेशा यूं ही बने रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और भी कोई अपडेट होगी तो मैं आपको जरूर अपडेट करता रहूंगा। थैंक यू सो मच।